अब आता है सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होगा, लॉजिक गेट्स होंगे कनेक्टेड इन सर्टेन वे, और उसमें फीडबैक कनेक्शंस प्रेजेंट होंगे। तो जहां लॉजिक गेट में फीडबैक कनेक्शन आ गया वो सीक्वेंशियल सर्किट होगा। फॉर एग्जांपल लैच इज अ सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट में जो प्रेजेंट आउटपुट आएगा वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ वो पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा चूंकि फीडबैक्स आर प्रेजेंट। नाउ लैचेस जो है, मैंने लैचेस बताया सीक्वेंशियल होते हैं, तो लैचेस दो तरह के होते हैं, एक तो नैंड गेट से बनाया आपने और एक नॉर गेट से बनाया। नैंड गेट वाला लैच एक्टिव लो कहलाता है, नॉर गेट वाला लैच एक्टिव हाई कहलाता है, ठीक है। एक्टिव लो क्यों कहलाता है, एक्टिव हाई क्यों कहलाता है, ये बाद में देखेंगे। नाउ अब आता है नैंड गेट लैच। नैंड गेट लैच ये होगा, ये नैंड गेट हो गया, ये एक नैंड गेट हो गया, इसमें एक इनपुट बाहर से आया और दूसरा इनपुट जो है इस वाले का दूसरा इनपुट इस वाले के आउटपुट से आया और ये फीडबैक यहाँ पे हो गया, ये हुआ नैंड गेट लैच। सिमिलरली नॉर गेट लैच, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, बस यहाँ पे नैंड गेट है, यहाँ पे नॉर गेट है, ठीक है। अब नैंड नॉर से क्यों बना रहे हैं, बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल गेट्स। हर जगह लेबोरेटरी में नैंड गेट्स प्रेजेंट होंगे, चूंकि नैंड गेट से आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ अब अगर कोई इनपुट कॉम्बिनेशन एस और आर का इस तरह से हुआ कि क्यू और क्यू बार जो है वो सेम स्टेट को, सेम स्टेट आती है उनकी, यानी कि क्यू भी जीरो और क्यू बार भी जीरो, क्यू और क्यू बार कॉम्प्लीमेंटरी आउटपुट है, बट सपोज किसी इनपुट के लिए क्यू और क्यू बार क्या आते हैं, सेम आ जाते हैं, यानी कि वो इनपुट कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज डोंट केयर, यानी कि प्रैक्टिकली अनयूजेबल। क्यू और क्यू बार अगर किसी इनपुट के लिए सेम आते हैं तो वो इनपुट मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब क्यू और क्यू बार कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी। नाउ अभी आता है सीक्वेंशियल सर्किट, यानी कि प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा, पास्ट पे भी डिपेंड करेगा। वो कैसे, फॉर एग्जांपल ये नैंड गेट है, इस नैंड गेट में जीरो दिया और सपोज अभी ये जो नैंड गेट है इसके आउटपुट में यहाँ पे जीरो प्रेजेंट है, सपोज इसकी स्टेट जो है आउटपुट में जीरो प्रेजेंट है, तो ये जीरो फीडबैक हो गया, जीरो में आया, तो जीरो जीरो गिव्स वन, तो ये जीरो बिकम्स वन, ठीक है। अब ये वन क्या होगा, ये वन, अब ये वन यहाँ पे घूम के जाएगा, ठीक है, ये वन यहाँ पे घूम के गया, तो जीरो वन इज जीरो वन इनपुट दिया नैंड गेट को, तो क्या आएगा, वन वन ही आएगा, सो वन इज द स्टेबल आउटपुट। सो दिस इज द प्रेजेंट आउटपुट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट। सो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द पास्ट आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट। सिमिलरली अगर यहाँ जीरो है, प्रेजेंट स्टेट, प्रीवियस स्टेट अगर वन है, तो ये वन फीडबैक होके जाएगा। नैंड गेट को जीरो दोगे तो वन ही आएगा, जीरो दोगे तो वन आएगा, जीरो दोगे नैंड को तो वन आएगा, यहाँ पे जीरो दिया हुआ है तो वन आएगा। अब बात आती है नैंड गेट को मैंने वन दे दिया, वन मैंने इनपुट खुद से दिया, और ये सपोज प्रीवियस स्टेट जीरो है तो ये जीरो फीडबैक होके आया। नाउ वन जीरो इज जीरो, जीरो का बार इज जीरो, बाय द बबल इज वन, नैंड गेट को जीरो मिल गया ना फीडबैक से, तो जीरो बिकम्स, दिस जीरो बिकम्स वन। अब ये फीडबैक होके अब वन जाएगा यहाँ पे, तो ये स्टेट आ जाएगी। अब ये वन यहाँ पे गया, वन वन इज नैंड गेट को दोनों वन मिला, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब फिर से जीरो हो जाएगा, फिर से स्टेट आ जाएगी, फिर से जीरो गया, फिर से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन जीरो से वन गया, फिर वन फीडबैक में गया तो फिर से जीरो आ गया, फिर जीरो जाएगा तो वन हो जाएगा, तो स्टेबल आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। इस केस में स्टेबल आउटपुट नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं बस ये बताना चाह रहा था कि फीडबैक वगैरह से कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो फीडबैक्स प्रेजेंट होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट में। ये आपका नैंड गेट लैच है। अब नैंड गेट लैच में ये नैंड हो गया, एक्टिव लो क्यों कहते हैं, बिकॉज नैंड गेट लैच में अगर आप यहाँ पे जीरो दोगे, जीरो दोगे तो यहाँ पे क्या आता है, वन आता है, यानी कि लो के लिए ये एक्टिव है। नैंड गेट इज एक्टिव फॉर लो इनपुट, जीरो दिया नैंड को तो वन आता है, इसलिए एक्टिव लो कहलाता है ये सर्किट यूजिंग नैंड गेट। हम नैंड को एज बबल्ड और भी लिख सकते हो, सो नैंड को बबल्ड और लिखना, ठीक है, नैंड को बबल्ड और करके लिखना, क्योंकि बबल्ड और से समझना आसान होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना कि ये एक्टिव लो कहलाता है बबल्ड और वाला,
फिर अब इसकी वर्किंग आती है एक्टिव लो की। अब एक्टिव लो में वर्किंग आती है तो मैं कुछ कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन लूँगा। अब एस आर, एस के आगे क्यू है, आर के आगे क्यू प्लस है। अब मैंने एस आर को 1-1 दे दिया। अब 1-1 दिया तो क्या होगा, मुझे प्रीवियस स्टेट एज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैंने प्रीवियस स्टेट 0 एज्यूम करी, ये 0 है, क्यू इज 0, देन क्यू बार 1 होगा नौ। अब मैंने 0 एज्यूम करा तो 0 फीडबैक होके यहाँ पे आया, और क्यू बार, अगर क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा, तो ये 1 होके यहाँ पे आया नौ। 1-1 से क्या आएगा, 0 बिकम्स 0 ही आएगा, और यहाँ पे 0 आया, और 1-0 से यहाँ पे क्या आएगा, 1-0 से यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है भैया, तो बेसिकली आप जब यहाँ देखोगे तो 1-1 के लिए आपको क्या दिखाई देगा, अगर प्रीवियस स्टेट 0 है तो नेक्स्ट भी 0 होगी, अगर प्रीवियस स्टेट 1 है तो नेक्स्ट भी 1 ही होगी। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो कि अगर आप यहाँ पे 1-1 देते हो तो यहाँ पे नो चेंज आपको मिलेगा। नो चेंज यानी कि प्रीवियस नेक्स्ट स्टेट इज सेम एज प्रीवियस स्टेट। ठीक है, 1 दिया तो 1 आएगा, 0 दिया तो 0 आएगा। ठीक है भैया, सो एक्टिव लो के लिए ध्यान, ये एक्टिव लो के लिए बताया मैंने, 1-1 दिया तो नो चेंज आएगा, 1-1 पे नो चेंज, एस के आगे क्यू, आर के आगे क्यू प्लस। नाउ अब मैं एस को 1, आर को 0 दूंगा, यहाँ 1 यहाँ 0, अब यहाँ 1 यहाँ 0, अब क्यू यानी कि प्रीवियस स्टेट मेरे को एज्यूम करनी पड़ेगी, तो लेट द प्रीवियस स्टेट भी 0, अब क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा। नाउ अब 0 यहाँ पे गया, 1 यहाँ पे जाएगा, 1-1 दिया तो ये 0 बिकम्स 0, 1-1 इनपुट दोगे तो ये 0 आएगा, 0-0 दिया तो ये 1 आएगा, तो दिस बिकम्स, ये 0 से 0 हो गया और ये 1 से 1 हो गया। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, अभी आपको दिख रहा है 0 से 0 हुआ, अभी आपको दिख रहा है क्या, नो चेंज आपको दिख रहा है। सो अब प्रीवियस स्टेट 1 लेके चलो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा, कैसे क्लियर होगा भैया, अब मैंने सेम 1-0 ही दिया, प्रीवियस स्टेट मैंने अब 1 ले ली, तो ये 1 है तो ये 0 होगा, अब ये 1 यहाँ पे गया और ये 0 यहाँ पे जाएगा, 1-0 गिव्स 1, ये 1 हुआ और ये भी 1 होगा, ये बीच की स्टेट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट होगी। अब ये 1 यहाँ पे फीडबैक होके जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पे फीडबैक होके आएगा। अब यहाँ पे है 1-1, यहाँ 1-1 दिया तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 0-1 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ है 0-1 प्रेजेंट, तो 0-1 से यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा चेंज होके। ठीक है भैया, अब बेसिकली क्या होगा, ये बीच वाली जो स्टेट है वो इंटरमीडिएट है, जो आपको देखना है 1-0 दिया तो 1 से 0 हो गया और 0 से भी 0 हो गया, यानी कि क्या हो गया, रीसेट हो गया। सो 1-0 देने पे नेक्स्ट स्टेट रीसेट हो गई, यानी कि 0 हो गई। ठीक है, नाउ अब मैं अगर प्रीवियसली एक ही स्टेप में, जब यहाँ पे एक ही स्टेप में स्टेबल आउटपुट आ गया था, ठीक है, यहाँ पे दो स्टेप में आया, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, फिर यहाँ पे 1-1 दिया तो यहाँ इमीडिएटली 0 से 0 आ गया था, 1 से 1 आ गया था, ठीक है, बट यहाँ पे 1 पहले 1 से 1 आया, 0 से 1, फिर 1 से 0 हुआ और 1 से 1 हुआ, ठीक है, दो बार दो स्टेप्स में हुआ, यहाँ एक ही स्टेप में हो गया था, स्टेबल आउटपुट आ गया था। ठीक है, अब सिमिलरली हम और इनपुट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो एक्टिव लो की जो टेबल बनेगी वो ये बनेगी, 1-1, 1-0, 0-1, 0-0। तो 1-1 के लिए हमने क्या देखा, नो चेंज देखा, 1-0 के लिए हमने क्या देखा, रीसेट आया, 0-1 डाल के देखना सेट आएगा, वॉट एवर बी द प्रीवियस स्टेट, नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अगर एस और आर आपने ये दिया, ठीक है, नौ 0-0 दिया तो डोंट केयर आएगा। ठीक है, एक्टिव लो ये क्या कहलाएगा, अभी एस आर लैच है, ये एस आर लैच, ठीक है, अभी फिलहाल लैच है, ठीक है। नाउ एक्टिव लो बस इसलिए कहते हैं, ये एक्टिव लो का मतलब ये नहीं है नेगेटिव लॉजिक की बात कर रहे हो, एक्टिव लो बस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 दोगे तो यहाँ 1 आता है, बिकॉज 0 एट द इनपुट इज अफेक्टिंग द आउटपुट, 0 देते ही यहाँ 1 आ जाएगा, डैट्स वाई वी से एक्टिव लो लैच, 0 यानी कि लो दिया तो यहाँ पे हाई आता है, इसलिए लो के लिए एक्टिव है, यानी कि एक्टिव लो लैच। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे ये जो वन है ये जो वन है, दिस वन रिप्रेजेंट्स हाई हाई, हाई लो, लो हाई, लो लो, ठीक है। बेसिकली बात तो यही है, बट याद सिर्फ याद करने के पर्पज से, सिर्फ याद करने के पर्पज से आप एस को सोच के चलना दैट दिस इज सेट, और इसको सोच के चलना रीसेट, ठीक है। नाउ इस कंडीशन के लिए रीसेट हो रहा है, बेसिकली जीरो का होना ही रीसेट है। नाउ रीसेट होने के लिए रीसेट को क्या होना होगा, याद करने के लिए बेसिकली आपको इस तरह से सोचना है कि वन का मतलब है लो, सिर्फ याद करने के लिए वन का मतलब है लो, वन का मतलब है लो एंड जीरो का मतलब है हाई। तो यानी कि एस इज जीरो यानी कि एस इज हाई तो सेट, आर इज जीरो यानी कि आर इज हाई यानी कि रीसेट। ये याद करने का तरीका है बस, जीरो जीरो यानी कि हाई हाई डोंट केयर, जो आगे भी दिखेगा आपको, वन वन यानी कि लो लो नो चेंज, ठीक है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, जीरो जीरो दोगे तो डोंट केयर का मतलब क्या हुआ, क्यू इज इक्वल टू क्यू बार आएगा, वन आएगा, इसलिए डोंट केयर लिखा जाता है, ठीक है भैया। तो ये याद करने का तरीका है, सेट सेट है तो वन होगा, होने का मतलब है तो जीरो लिखना होगा, सिर्फ याद करने के पर्पज से नेगेटिव लॉजिक के हिसाब से इस टेबल को सोचना है। अब आता है नॉर गेट लैच। नॉर गेट लैच क्या होगा, यहाँ पे वन दिया तो यहाँ जीरो आएगा, तो वन एट द इनपुट इज अफेक्टिंग द आउटपुट, इसलिए ये एक्टिव हाई, वन एट द इनपुट अफेक्टिंग हाई इज अफेक्टिंग द आउटपुट, यानी कि एक्टिव हाई हो गया। अब इसकी सेम तरीके से टेबल बनाओगे तो ये टेबल इसकी आती है। सो एक्टिव हाई लैच के लिए, एक्टिव हाई लैच यानी कि ये वाला लैच, नॉर गेट लैच, एक्टिव हाई लैच के लिए ये टेबल आती है, जीरो जीरो दोगे तो नो चेंज, वन जीरो दोगे यानी कि एस इज वन, एस इज वन यानी कि सेट आपको लगेगा, बट आर इज जीरो यानी कि सोच एक्टिव लो के हिसाब से ही सोचना है, इन दोनों केसेस के लिए एक्टिव लो के हिसाब से सोचना है। अभी तो ये टेबल तो आपको याद रखनी ही नहीं होती, ठीक है, ये टेबल नहीं याद रखनी होती। नाउ जीरो जीरो नो चेंज आएगा, वन जीरो जीरो आएगा, जीरो वन वन आएगा, वन वन डोंट केयर आएगा। अब इन दोनों टेबल में आपको दिखाई देगा कि यहाँ वन वन पे नो चेंज है, यहाँ वन वन पे डोंट केयर है, यहाँ जीरो जीरो पे डोंट केयर है, यहाँ जीरो जीरो पे नो चेंज है, यानी कि दो लाइनें तो यहाँ पे मैच नहीं कर रही। और ये जो ये वाली दो लाइनें हैं ये सेम है, वन जीरो इज जीरो रीसेट एंड जीरो वन इज वन सेट, दोनों इन दोनों टेबल में। सो एक्टिव लो और एक्टिव हाई की टेबल में दो चीज़ें तो मैच कर रही हैं और दो चीज़ें नहीं मैच कर रही, और दो चीज़ें मैच कर रही हैं। सो मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे जो मेरी टेबल है वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाए, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी Q के सामने वाले को S दे रहा था, Q बार के सामने वाले को R दे रहा था, बट अब मैं क्या करता हूँ, R और S को इंटरचेंज कर देता हूँ, फिर टेबल को लिखूँगा, ठीक है। तो ये R हो गया, ये S हो गया, ठीक है। नाउ अब अगर देखा जाए तो आप अगर 0 0 दोगे, एस आर को भूल जाओ, अभी आर एस को भूल जाओ, 0 0 दोगे तो नो चेंज आएगा, ठीक है, 0 0 दोगे तो नो चेंज आएगा, तो 0 0 दोगे तो नो चेंज आएगा। नाउ 1 0 दोगे तो रीसेट आएगा, 1 0 दोगे, 1 0 दोगे तो रीसेट आएगा। अब 1 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो R इज वन एस इज जीरो, R इज वन एस इज जीरो तो रीसेट आएगा। जीरो वन दोगे, जीरो वन दोगे, जीरो वन दोगे तो वन आएगा, तो R इज जीरो, जीरो वन दोगे तो सेट आएगा, वन वन दोगे तो डोंट केयर आएगा। अब ये जो टेबल है यहाँ पे जीरो जीरो नो चेंज, यहाँ जीरो जीरो डोंट केयर, यहाँ वन वन डोंट केयर, यहाँ वन वन नो चेंज, या 0 1 इज 0, ये एग्जैक्टली अपोजिट हो गई। अब ये टेबल तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है,
फिर इस टेबल में आपको जो टेबल में ये पता होना चाहिए, ये जो है एक्टिव हाई की टेबल है, बिकॉज एस इज वन यानी कि सेट, आर इज वन यानी कि रीसेट, प्रॉपर चल रहा है। यहाँ पे क्या था, एक्टिव लो के हिसाब से सोच रहे थे, ठीक है, याद करने के पर्पज से। यहाँ नहीं, यहाँ बिल्कुल सीधा है, सेट है तो सेट, रीसेट आर है तो रीसेट, ठीक है। बट आपको जो इसमें याद रखना है वो ये रखना है कि एस और आर जो इनपुट है, आर क्यू के सामने वाला है, एस क्यू बार के सामने वाला है। इस वाली टेबल के लिए एस क्यू के सामने है, आर क्यू बार के सामने है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि इनपुट को कंट्रोल करना, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे को इसको यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँ, नहीं करना तो मैं इसको ऑफ कर दूँ। सो फॉर कंट्रोल, कंट्रोल पर्पस मैं क्या करूँगा, स्विच लगा दूंगा। स्विच इज़ नथिंग बट क्लॉक, ये स्विच हो गया, गेट हो गया। अगर ये स्विच ऑन है तब भी एस और आर जो है वो आगे जाके प्रोपागेट हो जाएंगे। स्विच ऑन है यानी कि वन वन है, तो यहाँ पे जो भी इनपुट होगा वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ये एंड गेट की खासियत है। ये क्या है, एक्टिव लो एस आर लैच यूजिंग नैंड, जो आपने अभी देखा। ये क्या है, एक्टिव हाई एस आर लैच यूजिंग नॉर, यानी कि एक्टिव हाई वाले में आर के सामने क्यू, एस के सामने क्यू बार के सामने एस, ठीक है। तो ये गेटेड कहलाता है, ये स्विच है, अभी क्लॉक नहीं बोला मैंने, ये स्विच है, ठीक है। फॉर कंट्रोल कंट्रोल ऑन द इनपुट, मैं चाहता हूँ इनपुट प्रोपगेट हो या ना हो तब मैं स्विच को यूज़ करूँगा, ठीक है। नाउ अगर मैं क्लॉक अप्लाई करता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, लैच नहीं कहलाएगा, फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा, ठीक है। और कौन सा फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा, एस आर फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। एक्टिव हाई है तो एस एस यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा। एक्टिव लो है तो एस आर, ठीक है, क्यू के सामने एस, क्यू बार के सामने आर, एक्टिव लो के लिए। उल्टा किस केस में होगा, एक्टिव हाई के लिए आर एस, एस आर आर एस, ठीक है। वो क्यों, बिकॉज आपको टेबल याद करने में आसानी हो, इसलिए बस। अब ये इसका ऑपरेशन बता रखा है, एस आर फ्लिप फ्लॉप एक्टिव लो के लिए, जीरो दिया तो वन आएगा, ठीक है। ये बबल डोर है ना, तो बबल डोर यानी कि नैंड, नैंड में एक भी जीरो दिया तो वन आता है, ठीक है। ये इसका एस आर वन है तो क्या फीडबैक होगा, कैसे कैसे करके क्या आएगा, वो सब बता रखा है लैंग्वेज फॉर्म में, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आपको बस टेबल याद रखनी है, ठीक है। ये प्रॉपर हो गया बिल्कुल एक्सप्लेनेशन। नाउ एस आर लैच कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ ए स्विच नॉन एज गेटेड एस आर लैच। अब अगर मैं क्लॉक जनरेटर लगा देता हूँ तो क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा, लैच नहीं कहलाएगा, क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। एक्टिव लो की ये टेबल है, एक्टिव लो में क्या सोचना होगा, जीरो का मतलब याद करने के पर्पज से, जीरो का मतलब हाई है, यहाँ पे नहीं, सिर्फ इनपुट के लिए सोचना है, जीरो का मतलब हाई है एंड वन का मतलब लो है। नाउ आर इज जीरो यानी कि रीसेट हाई है तो रीसेट होगा, एस इज जीरो यानी कि सेट हाई है, एस इज हाई यानी कि सेट हाई है यानी कि वन हो जाएगा, वन वन नो चेंज, जीरो जीरो डोंट केयर। अब ये जो टेबल है ये बेसिकली आपको एक्टिव हाई की टेबल याद रखनी है, ठीक है। एक्टिव हाई की टेबल में जीरो जीरो नो चेंज, सेट है तो सेट होगा, रीसेट है तो रीसेट होगा, वन वन है तो डोंट केयर होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली उसकी टेबल जो है वो बिल्कुल उल्टी होगी। बेसिकली एस आर की ये टेबल है ना, नाउ जीरो को वन रख दो, वन को जीरो रख दो, तो ये वाली टेबल मिल जाएगी आपको, एग्जैक्टली बिल्कुल यही टेबल मिलेगी आपको, ठीक है। इस वाली टेबल में जीरो को वन रख दो, वन को जीरो रख दो, तो ये टेबल मिल जाती है, ठीक है। इसलिए तो कह रहा हूँ एग्जैक्टली अपोजिट टेबल है, ये इसका फायदा होता है। नाउ अब ये आता है, सपोज एक्टिव लो, ये यहाँ तक क्या है, नैंड, एक्टिव लो एस आर लैच, ठीक है। एक्टिव लो लैच हो गया ना, नैंड बेस लैच है, एक्टिव लो लैच है, तो क्यू के सामने एस, आर के सामने क्यू बार, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लॉक अप्लाई कर देता हूँ, क्लॉक ऑन होगी तभी एस विल प्रोपोगेट एज एस, आर विल प्रोपोगेट एज आर, ठीक है। अगर क्लॉक क्लॉक जो है वो लो होगी तो यहाँ जीरो जीरो रहेगा, और जो स्टेट है वो क्या होगी, जीरो जीरो के लिए, जीरो जीरो के लिए क्या रहेगा,
बेसिकली क्लॉक हाई है तभी एस और आर जो है वो प्रोपोगेट करेगा, अदरवाइज एस और आर यहाँ पे प्रोपोगेट नहीं करेगा। ठीक है, क्लॉक लगा दिया, एस और आर प्रोपोगेट होगा और प्रोपोगेट होके ये वाली टेबल एज इट इज के हिसाब से परफॉर्म करेगा, ये एक्टिव लो की टेबल के हिसाब से परफॉर्म करेगा। ठीक है भैया, नाउ अब एक्टिव हाई एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, वन दिया तो जीरो आता है। ठीक है, ये नॉर गेट की खासियत होती है। नाउ क्यू के सामने आर, क्यू बार के सामने एस, क्लॉक हाई होगा तभी आर प्रोपोगेट होगा, एस प्रोपोगेट होके यहाँ पे आएगा। अब आर और एस यहाँ पे आ गया, ये क्या है एक्टिव हाई, तो एक्टिव हाई की टेबल इस तरह से बनेगी, सेट है तो सेट होगा, आर वन है तो रीसेट होगा, इस तरह से टेबल बनेगी। बट ध्यान रखना है आर यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, चूंकि एक्टिव हाई है। ठीक है भैया,